China entered the border in 1959. In Arunachal Pradesh, we are very robust in our patrolling to the LAC. You know, in terms of our patrolling in the LAC, there's been no major change. भारत-चीन सीमा पर चीन की घुसपैठ को लेकर कई तरीके के सवाल पहले ही उठ चुके हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई जिसमें दावा किया गया कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा चीन की मनमर्जी के मुताबिक जारी होने वाला वो मैप जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच में भारत को एक परमानेंट इलाज की जरूरत है, ये बात लंबे वक्त से कही जा रही है। अब इसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये संकेत दे दिए हैं कि चीन का परमानेंट इलाज बांधने का तरीका भारत सरकार खोज रही है और वो तरीका LAC पर तारबंदी से हो सकता है। चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उसे बढ़ाने की भी जरूरत है। वहीं भारत बॉर्डर पर फेंसिंग कर सकता है या नहीं उसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी मिट्टी पर फेंसिंग कर रहा है तो जाहिर है कोई कैसे रोक सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी कहा कि सीमा पर फेंसिंग अपने घर पर दरवाजे लगाने जैसा है, जब अपने घर को खुला नहीं छोड़ सकते तो फिर सीमा को कैसे छोड़ सकते हैं। China entered the border in 1959. In Arunachal Pradesh, we are very robust in our patrolling to the LAC. And I can tell you that, you know, in terms of our patrolling in the LAC, there's been no major change in the border. I mean, last 5-10 years, maybe even longer. वही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आगे चीन सीमा को लेकर अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ समय में जानबूझकर बुनियादी ढांचे को छोड़ा गया, सीमा पर कोई बुनियादी ढांचा नहीं था और अगर हम इसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब भारत सरकार उन बदलावों पर काम करने की कोशिश कर रही है और परमानेंट इलाज भी खोज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।